पेन, लिंक पेन लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है, लिंक पेन एंड प्लास्टिक्स के नाम से कंपनी जानी जाती है। काफी इंटरेस्टिंग प्ले है ये यहाँ पे। पिछले कुछ समय में मार्केट कंसोलिडेट हुई है। एक अच्छी प्रोडक्ट कैटेगरी में इस कंपनी ने अपना एक बेस बनाया है, जो 10 रुपए से ऊपर वाले पेन होते हैं, जहाँ पे मार्जिन भी स्ट्रांग होता है और डिमांड भी ठीक ठाक होती है। कोई डेटा पॉइंट नहीं होता, बट जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो हो रही है, जिस जिस तरीके से बायर्स की बाइंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, तो क्वालिटी पेन्स की डिमांड तो बढ़ती ही है। ये ओपनिंग अप थीम का एक लगाड़ जोन है। जो जो स्कूल से रिलेटेड स्टॉक्स हैं काफी हैं, स्कूल जो कॉलेजेस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, ये कैटेगरी भी अनिल जी एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, जो अभी स्ट्रांग तो हुई है लेकिन चली नहीं है, क्योंकि जब तक पूरी तरीके से ये ओपन अप नहीं होगा तब तक ये स्टॉक्स चलेंगे नहीं, लेकिन इस समय बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल्स पे है। लिंक पेन इस समय बहुत ही मुझे लगता है अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, और पिछले कुछ समय में कंपनी ने अच्छी चीज क्या करी है कि इस समय में अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सपैंड किया, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ाए ऑनलाइन, मतलब 1500 उनके ऑर्डर्स जा रहे थे, आज वो 4000 ऑर्डर्स होते हैं रोज जो उनके जाते हैं, और नई कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करी है जहाँ पे मार्जिन ज्यादा है। तो हर तरीके से ये कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। कंट्री में सिर्फ टॉप 3 पेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसमें से ये एक है। 350 के तक के स्तर मुझे लगता है, जैसे ही स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे ये स्टॉक जूम करेगा। हमारी मीडियम टर्म के लिए यहाँ पर बाय करके चलना है जेएसएल हिसार। जेएसएल हिसार को यहाँ पर लॉन्ग करके चलने की सलाह दे रहे हैं। एक बड़े अपमूव के बाद जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, ये चार्ट्स पर एक हेल्दी साइन माना जाता है। लग रहा है स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा और बड़ा अपसाइड मूव यहाँ से दिखाएगा। जिस तरह के चार्ट्स प्लेस्ड हैं, एक बड़े अपसाइड मूव के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। यहाँ से बाय करने की सलाह दे रहे हैं। 400 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 350 का। स्टॉक का अगर वीकली स्ट्रक्चर देखते हैं तो लगातार स्टॉक एक हायर हाईज हायर लोज में ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत हेल्दी साइन है। तो जिस तरह के स्ट्रक्चर है, 400 के टारगेट्स के लिए जेएसएल हिसार को लॉन्ग करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 350 का।